हाय गाइस, माय नेम इज वरुण और आज हम बात करने जा रहे हैं विंटर में फैट लॉस के बारे में। तो विंटर में फैट लॉस कैसे कैसे करें, इसके बारे में बहुत लोगों को ये दिमाग में रहता है कि यार अभी तो सर्दियां हैं, सर्दियों में हमारा फैट नहीं आएगा तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा, फैट लॉस नहीं होगा। लेकिन ये सब चीज़ें आपके दिमाग की गलत फहमियाँ हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपने अगर अपना गोल सेट कर रखा है तो आपका फैट लॉस होगा ही होगा। आपने अपना वर्कआउट चार्ट बना रखा है, अपना डाइट चार्ट बना रखा है, तो फिर आपको अपना गोल सेट करने में, आपके गोल तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। बहुत जगह पे सर्दियों में भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो क्या उनका फैट लॉस नहीं होता? वो लोग अपनी बॉडी को रिप भी करते हैं, उसमें कटिंग भी लाते हैं और शेप में पूरा आते हैं। तो वो सब चीज़ें करने के लिए उनको एक गोल सेट करना पड़ता है। आप एक गोल सेट करिए कि आपको डेली वर्कआउट करना है, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि आपकी बॉडी में कार्ब्स किस मात्रा में जा रहा है। कार्ब्स अगर बराबर रहेगा, सही लेवल पे रहेगा, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में रिजल्ट आएगा डेफिनेटली। आपको कार्डियो कितना करना है, एब्स आपको कितना करना है, ये इन सब का चार्ट बना के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे ले सकते हैं। और आप जब डेली वर्कआउट करते हैं तो सर्दियों में खासतौर पे ये ध्यान रखना है कि ठंडे मौसम में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना जरूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो फिर आपकी बॉडी थोड़ी सी स्टिफ रहती है। जब हम सुबह सुबह वर्कआउट करने आते हैं तो वो वार्म अप करिए, फिर उसके बाद अपना वर्कआउट स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि गर्मियों में फैट लॉस जल्दी होता है क्योंकि हमें स्वेट ज़्यादा आता है, और सर्दियों में थोड़ा सा ये होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि आप जो भी खाते हैं ना, वो आपकी बॉडी में जल्दी लगता है क्योंकि डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है सर्दियों में। तो आप अच्छी डाइट लीजिए, प्रोटीन डाइट लीजिए और कार्ब्स कम, प्रोटीन अच्छा। और जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, साफ सुथरी चीज़ें खाओ, साफ सुथरे रहो, ठीक है, अच्छे से रहो, साफ सुथरे। और आजकल का ट्रेंड है जो अच्छा दिखेगा वही बिकेगा, तो ये तो एक लाइन है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको अच्छा दिखना है भीड़ में तो आपको डेली वर्कआउट करना ज़रूरी है, चाहे आप घर पे करते हैं, चाहे आप जिम में करते हैं, चाहे योगा करते हैं, चाहे कुछ भी। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आपको डेली वर्कआउट करना है, और फैट लॉस के लिए आप अपना वर्कआउट चार्ट, डाइट चार्ट आप अपने ट्रेनर से ले लीजिए, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। और कार्ब्स और प्रोटीन, इनका बैलेंस बना के रखिए। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि इन दोनों का बैलेंस रहेगा तो आप डेफिनेटली रिजल्ट अचीव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। और टेक केयर।